मैं पल्लवी छेलावड़ा आपकी वास्तु फेंगशुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंगशुई के एक और नए लाइव एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर वेडनेसडे फेसबुक के ऊपर 3 से 4 बजे ईस्टर्न टाइम के अनुसार आपके साथ अलग अलग तरह के टॉपिक के ऊपर बातचीत करते हैं, और ठीक बिल्कुल उसी तरीके से उसी फॉलोअप टॉपिक के ऊपर 5 से 6 बजे इंस्टाग्राम के ऊपर आपके साथ बातचीत की जाती है। एवरी सैटरडे नए टाइम के बदलाव के अनुसार 3 से 4 बजे हम आपके साथ बातचीत करते हैं यूट्यूब के ऊपर, और पिछले कुछ टाइम से हम 2021 के बारे में कंटिन्यूज आपके साथ अलग अलग तरह से 2021 के अनुसार दिशाएं किस तरह से आप मेंटेन कर सकते हो, दिशाओं के हिसाब से क्या ऐसी इंपॉर्टेंट दिशा है जो सिर्फ और सिर्फ निरंतर रूप से पूरे साल के दौरान आपको फायदा करेगी, लेकिन फायदा तब करेगी जब आप उसका सही तरीके से उपयोग करते हो, आप सही तरीके से उस दिशा को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो। तो एवरी ईयर जो साल के चेंजेस होते हैं, साल के जो कैलकुलेशन होते हैं, उसके अनुसार जब कभी कोई भी साल जिस दिशा के लिए पॉजिटिव हो, उस वक्त उस दिशा का उपयोग करने से लाइफ में सकारात्मक एनर्जी, करियर के अंदर अच्छा ग्रोथ इजीली दिखाई देता है। तो अगर कुदरत ने हमें कोई चीज अलग अलग तरह से दिशाओं के माध्यम से फ्री में दी है, आयुर्वेदिक के हिसाब से जैसे गर्म तुलसी का पत्ता यूज करते हैं, हल्दी यूज करते हैं, उसके कितने सारे फायदे हैं आप जानते हो। तो ठीक उसी तरीके से एवरी ईयर कुछ दिशाएं भी ऐसी होती है जो आपके लिए इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्रिएट करने में आपकी हेल्प कर सकती है, लेकिन बात यह होती है कि उस दिशाओं का उपयोग किस तरह से वहां पे आपको अप्लाई करना चाहिए, वो सब चीज का नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो YouTube का हमारा जो शो है जो 2021 के ऊपर चल रहा है, जिसमें मैं सारी दिशाओं के बारे में बात करने वाली हूँ, वो आप बिल्कुल ही मिस ना करें। मैं कोशिश कीजिए कि उस लाइव शो के दौरान आप खुद वहां पे अवेलेबल रहे और चैट मैसेज के माध्यम से 2021 और आपके खुद के घर की रचना उसके हिसाब से अगर आप इम्पोर्टेंट बातचीत करते हो तो उसका फायदा ये होता है कि अगर आपको वो प्रोग्राम सुनने के बाद आपके घर के रचना के हिसाब से कैसे अप्लाई करना चाहिए उसमें कोई भी तरह की शंका कुशंका हो तो आप वहां पे उसका समाधान ले सकते हो। आज हमारा जो टॉपिक है काल सर्प योग। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में कैलकुलेशन मेथड सेम है, लेकिन रेमेडियल पार्ट बहुत ही डिफरेंट है। जैसे मैं कह सकती हूँ कि आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है और एलियोपैथिक डॉक्टर होते हैं, वो दोनों ने अगर आपको कोई बीमारी है, कोई डिसीज है, तो उसका प्रिडिक्शन तो अलग अलग लक्षणों के द्वारा आयुर्वेदिक वाले अपने तरीके से देखते हैं, एलियोपैथिक डॉक्टर अपने तरीके से देखता है, लेकिन उसके डिसीज के जो सिम्टम्स होते हैं, जो उसके लक्षण होते हैं, वो दोनों के लिए एक जैसा ही होता है, बीमारियों के नाम नहीं बदल जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि बीमारी के लिए उनको कोई और रीजन लगता हो आयुर्वेदिक के अनुसार और एलियोपैथिक के अनुसार कोई और रीजन रहता, लेकिन बात यह होती है कि उसका जो रेमेडियल पार्ट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। आयुर्वेदिक रूट से बीमारियों का इलाज करना शुरू करती है, एलियोपैथिक आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे सकती है, इमीडिएटली पेन होता है गायब कर दो। लेकिन आयुर्वेदिक में ये देखा जाता है कि भैया ये पेन तो आ गया लेकिन उसको अभी बंद करेंगे, बाद में उसके रूट वहीं पे बने रहेंगे तो क्या होगा। तो इसीलिए कई बार आपको आयुर्वेदिक दवाइयां जो है या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है या फिर कोई भी तरह की नेचुरोपैथी से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है उसमें कई बार आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लंबा टाइम लगता है। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में बहुत फर्क है। मैं ये कह सकती हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकल चीजें जो होती है वो किसी भी चीज के अंदर उसका जो डायग्नोसिस होता है, उसमें जो भी तरह की आपकी कुंडली के दोष जो होते हैं उसके कैलकुलेशन का मेथड काफी प्रभावशाली होता है, लेकिन रेक्टिफिकेशन मेथड जो होता है, रेमेडियल जो पार्ट होता है, वो ज्यादातर रिलीजियस होता है। जबकि वास्तुशास्त्र जो होता है उसके अंदर कोई भी तरह के डिसीज के जो सिम्टम्स होते हैं, जो आपके घर में होने वाले वास्तु दोष की जो वजह होती है, उस वजह को रूट से समझ के उसको फिक्स किया जाता है, लेकिन उसका जो रेमेडियल पार्ट होता है वो एलियोपैथिक दवाइयों की तरह इंस्टेंट रिजल्ट वाला होता है। प्लस उसके अंदर कोई भी तरह की रिलीजियस मेथड एज अ वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते अमेरिका में रहकर अगर मैं वास्तु की प्रैक्टिस करती हूँ और जो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी, तो मैं ये कह सकती हूँ कि रेमेडियल मेथड जो होती है वो बहुत ही रिलीजियस नहीं होती है। ज्यादातर वास्तु कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है तो उसी के साथ जुड़ा होता है। अब यहाँ पे जैसे हमारे शो की एक मेथड है कि हम सुनी सुनाई बातें, आधी अधूरी समझ, लोगों के दिमाग में वास्तुशास्त्र के बारे में जो गलत मान्यताएं हैं उसमें
चीजों को क्लैरिफाई करने की कोशिश भी इस प्रोग्राम के माध्यम से करते हैं। ये आप जानते हो, ये इस शो की यूनिक ब्यूटी है कि छोटी छोटी टिप्स दी जाती है और कोशिश की जाती है इस प्रोग्राम के माध्यम से कि आप सही तरीके से अपनी चीजों को, सही वास्तु को समझने की कोशिश कर सको। तो पहली बात यह है कि काल सर्प योग जो है वो एस्ट्रोलॉजिकल कैसे बनता है। तो काल सर्प योग के लिए सबसे दो एस्ट्रोलॉजिकल प्लेनेट के अनुसार दो महान, मतलब ये कह सकते हो कि राहु और केतु जो थे वो एक ऐसे बड़े प्लेनेट है कि जिसके सही या गलत होने से बहुत बड़ा उथल पाथल हो सकता है। लेकिन राहु और केतु एक ही शरीर के, एक ही राक्षस के दो हिस्से हैं। जैसे हम बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन कुछ नए लोग हो, कोई यंगस्टर हमारे साथ जुड़ते हैं, अलग अलग कंट्री के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उनके लिए मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगी ताकि बात को डिटेल में समझना आपके लिए आसान हो जाए। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से राहु और केतु का जन्म उस वक्त हुआ जब सारे देवता और राक्षसों के बीच के अंदर समुद्र मंथन चल रहा था। समुद्र मंथन के दौरान जो समुद्र में से, यानी कि वहां से जो अमृत प्राप्त हुआ, वो अमृत अगर पीने के बाद वो देवता जो थे वो उसके बाद अमर हो गए। तो यानी कि वो देवता, तब तक तो देव और दानव एक जैसे थे। दानव उन लोगों को बोला जाता था जो दुष्ट काम करते थे, देवता पॉजिटिव लोग थे, अच्छे लोग थे, सीधे काम करते थे, लोगों को आशीर्वाद देते थे, गुड ह्यूमन बींग थे। लेकिन तब तक तो उनकी नॉर्मल इंसानों की तरह लाइफ थी। उसके बाद जब अमृत प्राप्त हुआ, उसके बाद वो अमृतत्व पूर्ण, वो हमेशा के लिए उनका अमर हो जाना और हमारी प्रकृति की परंपरा के अनुसार हमारे जैसे कॉमन ह्यूमन बींग को आशीर्वाद देने के लिए जो अच्छे लोग होते थे उनका होना भी जरूरी होता था, तो इसलिए उनको अमृतत्व प्राप्त हो गया। तो समुद्र मंथन के दौरान जो अलग अलग तरह की चीजें समुद्रों में से निकली, वो देव और दानव, यानी कि देवता और दानवों ने एक साथ मिलकर कोशिश की, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा श्रम की जरूरत थी। समुद्र मंथन के लिए बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत थी, तो कोई एक विकल्प, कोई एक ऑप्शन वर्कआउट नहीं हो सकता था। तो दोनों में साथ में मिलकर टीम वर्क का काम किया और साथ में मिलकर उन्होंने समुद्र मंथन किया। उसमें से जो जो चीजें निकलती गई वो अपने अपने हिसाब से वो लोग एक दूसरे के साथ आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। फाइनली वहां से अमृत प्राप्त हुआ। अमृत प्राप्त होने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि जिनकी मंशा, जिनकी सोच विचार तामसी हो, जिनके स्वभाव में शुरू से एक ऐसी प्रकृति हो कि किसी को पीड़ा देके, तकलीफ देके उसको आनंद आता हो, चाहे वो शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन दानव जो होते हैं उनकी क्वालिटी होती है कि वो बिना मतलब अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान करते हैं। आज के जमाने में भी दुनिया के किसी भी कंट्री में जाके आपके खुद के घर के अंदर आस पास के संबंधों में कुछ ऐसे लोग अगर आपको दिखाई दें जो बिना किसी मतलब या फिर अपने एक छोटे से स्वार्थ के लिए या अपने स्वभाव की ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए किसी और का नुकसान कर देते हैं, अपनी पैनी बचाने के लिए किसी का लाख डॉलर का नुकसान कर देते हैं, वो तमाम लोग दानवों के लिस्ट में ही जाते हैं। तो हमारी प्रकृति में दोनों भाव है, हम ही देवता है और हम ही दानव है, वो सब कुछ हमारे भीतर ही है। तो जब ये अमृत प्राप्त हुआ तो उसके बाद ये चैलेंज हो गया कि अगर देवताओं ने सारा अमृत दानवों से किसी भी तरीके से कोई भी युक्ति पूर्वक अगर हासिल नहीं किया हो, दानवों ने भी उसको शेयर करके स्प्लिट करके दोनों ने आधा आधा ले लिया, तो फिर देव भी अमर हो जाएंगे और दानव भी अमर हो जाएंगे, फिर प्रकृति में मुश्किल आ जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने कुछ युक्ति की। विष्णु भगवान के अलग अलग बहुत तरह के प्रकार है। यहाँ पे उन्होंने एक मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी बन के वो अमृत कलश जो थे वो एक जगह पे एक रो में देव बैठ गए, दिशा में दानव बैठ गए और वो सबको पिलाना उन्होंने शुरू किया। भगवान ने मोहिनी रूप से इस बात का ध्यान रखा कि देवों को उसी कलश से अमृत प्राप्त हो और दानवों को उसके बाद वो कोशिश करने वाले थे कि उनको अमृतत्व से वंचित किया जाए, वो बात भी बराबर है। लेकिन ये सब चीज के दौरान एक राक्षस ऐसा था जिसको थोड़ी सी शंका हो गई कि ये लोग यहां से देते हुए आ रहे हैं, अगर मेरे पास पहुंचने तक अगर ये अमृत का लोटा, अमृत कलश खत्म हो गया तो क्या होगा मेरा, तो मैं तो रह जाऊंगा। तो ये सोच के उन्होंने अपना रूप बदल दिया और वो देवताओं के रो में, लाइन में जाके बैठ गए। जब ईश्वर मोहिनी रूप से अलग अलग चीजें दे रहे थे तब उनको ये बात पता थी, क्योंकि वो तो परमात्मा थे, सर्वब्रह्म यूनिवर्सल, उनको सब चीज पता होती है।
लेकिन कई बार जैसे मानते हैं ना कि रात का अंधेरा तब तक समझ में नहीं आता है जब तक दिन का उजाला ना हो, अच्छा इंसान तब तक समझ में नहीं आता है जब तक आप बुराई को नहीं देखते हो। जो भी पॉजिटिव और नेगेटिविटी है, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। तो उन्होंने सबको जानते हुए वहां पे जो बैठा हुआ राक्षस था उसको उन्होंने अमृत पिरोसा, उन्होंने उसको अमृत दिया और वो राक्षस ने उस अमृत का ग्रहण किया। मैथोलॉजिकल पुराने ग्रंथों के कहानियों के अनुसार जैसे ही उस राक्षस ने उस अमृत को प्राप्त कर दिया, बाकी जो भी देवता थे सभी ने कहा कि ये यहाँ पे छल हुआ है, फ्रॉड हुआ है, ये राक्षस है, ये देवता नहीं है। तो उसी वक्त मोहिनी रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान ने अपने शस्त्र से उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन उसने ऑलरेडी अमृत को ग्रहण कर लिया था। तो दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद वो जिंदा रहा और उसके सर का हिस्सा था उसको राहु का नाम दिया गया और उसके धड़ का हिस्सा था उसको केतु का नाम दिया गया। और वो दोनों चीज अलग अलग दशा में डिवाइड कर दी, दोनों दो एक ही व्यक्ति के दो पार्ट हो गए। लेकिन राहु के पास सर का हिस्सा था जिसको हमने राहु का नाम दिया, तो उसके पास बुद्धि थी, अकल थी, समझदारी थी। लेकिन जिसके पास सिर्फ शरीर का यानी कि धड़ का हिस्सा था वो केतु है। केतु के पास दिमाग नहीं है, उसके पास समझदारी नहीं है। शरीर को क्या चाहिए? भोग, विलास, सुख, कंफर्ट लेवल। आपको बहुत सारा काम करके, बहुत अच्छी गाड़ी प्राप्त करके, बहुत अच्छे कंफर्ट लेवल में रहने के बाद सबसे ज्यादा तसल्ली दिमागी तौर से ज्यादा शारीरिक तौर पे, फिजिकली तौर पे होती है। तो कंफर्ट लेवल के जितने भी हिस्से हैं, कंफर्ट लेवल यानी कि आप अलग अलग तरह के शौक, आराम के लिए जो चीज हासिल करते हो, उसकी कामना सबसे ज्यादा कौन करता है? शरीर, क्योंकि उपभोग उसका होता है। शरीर सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागता है और अपना कंफर्ट लेवल देखता है, जबकि राहु जो था उसके पास महत्वाकांक्षा के साथ साथ, एम्बिशंस होने के साथ साथ कुछ और भी बातें थी जिसको हम बुद्धि का नाम देते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि यहां से हमारे पास सोचने परखने की एक समझदारी आती है, एक क्षमता आती है, वो राहु के पास थी। इसीलिए जो भी पितरों के साथ जुड़े हुए अलग अलग प्लेनेटरी मूवमेंट के हिसाब से जो भी मिलने वाले इफेक्ट थे वो राहु के साथ जुड़ गए, क्योंकि राक्षस योनि जो थी वो पूर्वज योनि के साथ जुड़ी हुई योनि है। तो इसीलिए राहु के पास जो है, राहु पितरों का स्वामी भी माना जाता है। राहु दोष की वजह से कई बार आपके घर में कोई भी तरह की गलत तरह की व्यवस्था में या पितरों के कोई भी दोष हो तो वहां में भी राहु के अलग अलग तरह के उपाय को करने से पितृ दोष में सफलता मिलती है। काल सर्प योग जो है, पितरों को समझने के लिए अगर हम राहु को समझते हैं तो साथ में ये समझना पड़ेगा कि पितरों के कितने प्रकार है। हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से, हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से पितरों को अलग अलग तरह के सिंबल के साथ जाना जाता है, जिसमें जैसे आप अपने घर में डॉग रखते हो इसको भी पितरों का प्रकार माना जाता है। सांप यानी कि काल सर्प योग के अंदर जिस सर्प के बारे में बात करते हैं उसको भी पितरों का हिस्सा माना जाता है। और भी कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसी कुछ वनस्पति है, ऐसे कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं जिसको पितरों के रूप में माना जाता है। और वास्तुशास्त्र के हिसाब से दिशा भी है जो पितरों के साथ संबोधित की जाती है और वो है साउथ, दक्षिण दिशा। जिस तरह से भगवान की सात्विक भाव से पूजा आराधना करने के लिए, ताकि हमारा भी अच्छा हो और हर किसी का भी अच्छा हो, तो उसको सात्विक भाव कहते हैं, जिसमें कोई हठ नहीं, जिसमें कोई कश्मकश नहीं, निरंतर भाव से, निस्वार्थ भाव से समर्पण होने की भावना, सरेंडर होने की भावना, उसको सात्विक भाव कहते हैं। लेकिन जब हम भगवान से कंडीशन करते हैं कि मेरे को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा तो मैं आपके पास दर्शन करने के लिए आऊंगा, तो ये डील हो गया, ये कंडीशन हो गई, तो उसको बोलते हैं राजसी भाव, जिसमें हमने भगवान के साथ डील बनाया, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, मैं आकर आपके साथ पहनावा चढ़ाऊंगा, मैं आपका भोग लगाऊंगा, या कोई भी तरह की जो भी मानसिक आपकी इच्छा हो, जो आपने डील बनाया हुआ हो। काफी सारे लोग इस तरह की अगर भावना रखते हैं तो भी उसमें सात्विक भाव होता है कि अगर मेरी बेटी की शादी यहाँ पे हो जो उसके लिए अच्छा हो, और अगर आपको लगता हो कि यहाँ पे होनी चाहिए, तो आप
अपने हिसाब से डिसीजन लो, और अगर आपको सही लगता है या यहाँ पे हो या कहीं पे भी हो, लेकिन मैं अपने मन से इस शादी के बारे में ये आपके लिए जो भी करना चाहता हूँ, गरीबों को खाना खिलाना चाहता हूँ या जो भी तरह के आप किसी की शादी करवाना चाहते हो, बच्चों के लिए बुक्स देना चाहते हो, तो जो सात्विक कर्म आपको करना है वो आपने बिना कंडीशन पहले कर दिया और कोई शर्त नहीं रखी, और आपने उनके ईश्वर परमात्मा के ऊपर अपनी बात पहुंचाने के बाद छोड़ दी, और अगर इस मंशा से इस इच्छा से कुछ काम किया जाता है उसको सात्विक भाव कहते हैं, क्योंकि उसमें आपने डील नहीं बनाया, शर्त नहीं रखी आपने। जहां पे ट्रस्ट होता है वहां पे सात्विक भाव होती है। माँ एक बच्चे को पैदा करने के बाद कभी ये नहीं सोचती कि ये बच्चा बड़े होके मेरे को चांटा मार सकता है, ये बड़ा होने के बाद मेरा अपना फ्यूचर में जो भी वृद्धावस्था की अवस्था होगी तब जाके मेरे को खाना खिलाएगा या मेरा ध्यान नहीं रखेगा, उसका डील पेपर पे साइन कर दी उसके बाद मैं उसको बड़ा करूँगी, ऐसा नहीं सोचती। वो तन मन धन से उसको बड़ा करने में लग जाती है, बड़ा होने के बाद बच्चा कैसे भी निकले डजंट मैटर, लेकिन वो करती है। ये सात्विक भाव है। हमारे माता पिता ने हमें जो कुछ दिया है वो विदाउट एनी कंडीशन दिया है, वो सात्विक भाव है। तो सात्विक, राजसी और तामसी जो भाव होते हैं उसमें केतु का जो स्वरूप होता है वो फुल ऑफ तामसी भाव का होता है, जिसके अंदर हट होती है, जिसके अंदर बस मुझे चाहिए ही चाहिए, इस तरह की जिद होती है, चाहे किसी का कोई भी नुकसान ना हो जाओ। इसीलिए केतु को राहु के मुकाबले ज्यादा उग्र और एग्रेसिव माना जाता है। मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान केतु के लिए एक शब्द ढूंढा है। जब कभी मैं किसी के पास कंसल्टिंग करने जाती हूँ और मुझे उसकी डेट ऑफ बर्थ से उसका डायरेक्शन चार्ट जब मिलता है तो मुझे लगता है कि इसकी क्वालिटी कुछ ऐसी है, बट जब हम काम करते हैं तो अपने क्लाइंट को कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन उतना हमें समझ में आ जाता है कि इसके साथ कितना भी कर लो, जितनी मर्जी उसके लिए आप सर्विस दे लो, बट सम पीपल आर नेवर एवर सेटिस्फाइड पर्सनैलिटी। केतु की पर्सनालिटी होती है, उसका सबसे बड़ा एक दुर्गुण ये होता है कि दे आर नेवर एवर सेटिस्फाइड। एक चीज मिल गई फिर चाहिए, एक दूसरा मिल गया तीसरा चाहिए, सुबह में भूख लगी है शाम को लगेगी, एक गाड़ी ले ली उसके बाद हायर लेनी है, एक घर ले लिया उसके बाद और लेना है, मतलब चाहिए चाहिए चाहिए, दैट इज कॉल्ड केतु। अब जो काल सर्प योग होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जब कभी आपकी जन्म कुंडली होती है उसका जो सेवंथ हाउस यानी कि सातवें नंबर का खाना होता है सेवंथ हाउस का, वहां पे राहु और केतु की रचना, किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल चीज में दो बातें हम समझ लेते हैं, जहां पे राहु और केतु एक दूसरे के आमने सामने होती है, यानी कि यहाँ पे सर और यहाँ पे शरीर। अगर सर अकेला है या शरीर अकेला है, इस तरह की कोई भी कुंडली हो जिसमें वो लोग साथ में नहीं है, तो उसका जो उत्पात है वो कम हो जाता है। लेकिन कोई ऐसी कुंडली हो, कुंडली एक बनी हुई है, हम सिंपल अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल वर्ड्स तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन मैं सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश करती हूँ कि किसी की कुंडली ऐसी है जिसमें सिर्फ केतु है या सिर्फ राहु है तो उत्पाद कम होगा क्योंकि दोनों साथ में नहीं है, लेकिन कोई कुंडली ऐसी है कि राहु भी है यानी कि वहां पे सर का हिस्सा भी है और केतु यानी कि शरीर का हिस्सा भी है और वो दोनों आमने सामने बैठे हैं, वहां से प्रॉब्लम्स होता है एक अट्रैक्शन का। वहां पे जो दिमाग राहु का बैठा हुआ है वो केतु के साथ अपने आप मिलना शुरू कर देगा। केतु अतृप्त है, राहु तृप्त है, लेकिन राक्षस योनि का ग्रह है, तो ये दोनों साथ में मिलके आपको भगाना शुरू कर देंगे, ऐसे भगाएंगे करियर के अंदर कितने भी भाग हो गए नो सेटिस्फेक्शन। फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट लक्षण बोल सकते हो, सिम्टम्स बोल सकते हो कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा करियर में, शादी में, घर लेने के बाद, गाड़ी खरीदने के बाद, नेवर एवर सेटिस्फाइड, परेशान करना शुरू कर देगा। दूसरी बात, अच्छे से अच्छी बीवी होगी, अच्छे से अच्छे बच्चे होंगे, अच्छा से अच्छा घर होगा, लेकिन ये अच्छा लगना किसको चाहिए, आपको खुद को लगना चाहिए। अगर खुद को ही समझ भी नहीं आता है कि मेरी बीवी से बेहतरीन इस दुनिया में दूसरा कोई आदमी, इस तरह की कोई लड़की नहीं है, मेरे हस्बैंड से बेहतरीन इस दुनिया में इस तरह का कोई आदमी नहीं है, मेरे बच्चे सच में समझदार और मैच्योर अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, इस समझ में किसको आना चाहिए, फैमिली को आना चाहिए। जिसके जो लोग हैं अगर वो उस चीज को रियलाइज नहीं करता है तो सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होगा। आगे बढ़ने के लिए महत्वाकांक्षी होना चाहिए, लेकिन जो प्राप्त किया है
उसके संतोष के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए जो हमने ग्रहण किया है, जो ईश्वर ने हमें दिया हुआ है, उसकी कृपा से जो हमें मिला हुआ है, उसको एंजॉय करने के लिए, उसको भुगतने के लिए, उसका आनंद उठाने के लिए, आदमी के जीवन में जो प्राप्त किया है उसके लिए उसको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो महत्वाकांक्षा और सेटिस्फेक्शन दोनों आपकी लाइफ का हिस्सा होने चाहिए। अगर सिर्फ आप सेटिस्फाइड हो और आगे बढ़ना बंद कर देते हो तो भी गलत है। अगर आप सिर्फ महत्वाकांक्षी और भागते रहते हो और किसी भी चीज जितनी भी मिलती हो और सेटिस्फाइड नहीं हो, फिर भी गलत है। सो एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली के हिसाब से सिर्फ सेवंथ हाउस नहीं, लेकिन 8, 9, 11th ये जो घरे हैं, 8, 9, 10th 11th ये सभी घरों के अंदर कहीं ना कहीं से राहु और केतु की रचना बनी हुई हो, तो वहां से आपकी कुंडली में संतोष होता है। दोष का मतलब होता है कि जो आपकी कुंडली है उस कुंडली में कोई भारी ग्रह, शनि हो सकता है, राहु हो सकता है, केतु हो सकता है, समटाइम्स सूर्य हो सकता है, नेपच्यून हो सकता है, जो भी प्लेनेटरी मूवमेंट के हिसाब से जो ग्रह है वो कमजोर हो, गलत हो, आमने सामने टकराते हो, उस कंडीशन के अंदर दोष होता है। अब आते हैं वास्तु में, जो आपकी कुंडली है वो आपका घर है, जो वहां पे प्लेनेटरी मूवमेंट के हिसाब से जो भी अलग अलग तरह के हाउस बने हुए हैं कुंडली में, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवंथ हाउस होता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपके घर में किचन, बेडरूम, बाथरूम, घर का दरवाजा, घर का गेस्ट रूम, घर का बैक यार्ड, घर का फ्रंट यार्ड, एक जो आपने लॉट खरीदा वो आपकी एस्ट्रोलॉजिकल, जो आपके अलग अलग तरह के हाउस बनाने के लिए जो हॉरोस्कोप होते हैं वो आपका लॉट बन गया। उसमें जो अलग अलग तरह के ज्योतिष के हिसाब से अलग अलग तरह के हाउस, यानी कि जो खाने, यानी कि जो बॉक्स बने हुए होते हैं, वो आपके घर के अंदर बने हुए अलग अलग कमरों की रचना बन गई। तो एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली में जिसको आप हाउस बोलते हो, उसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपके घर के अंदर भी नंबर के हिसाब से कमरे बने होते हैं। डजंट मैटर अगर 5,000 square feet का है, 2,000 square feet का है, बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, किराए का है, आपका है, डजंट मैटर, उस छत के नीचे तो आप हो ना, यानी कि उस कुंडली के आप स्वामी हो, उस घर के आप स्वामी हो, उस कुंडली के अलग अलग खाने में जो भी तरह की व्यवस्था है, उसमें अलग अलग हाउस में जो भी तरह की व्यवस्था है, वो सब घर के मालिक को इफेक्ट करेगी। बिल्कुल उसी तरीके से आपके घर में किचन में आग लग जाएगी तो भी घर जल जाएगा, बैथरूम, बाथरूम या फ्लड या कोई भी तरह की वहां पे पाइपलाइन टूट जाएगा, पानी गिरेगा तो भी घर का ओनर खराब प्रॉब्लम में आ जाएगा। सो घर में होने वाली हर तरह की खराबी और घर में होने वाली हर तरह की अच्छाई किसको इफेक्ट करती है? घर के ओनर को इफेक्ट करती है। तो एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली के हिसाब से पावरफुल ग्रह होते हैं जिसका फायदा होता है। ठीक उसी तरीके से कुछ घर में आप जाते हो, बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, अचानक पैसा बनना शुरू हो जाता है, अचानक बिगड़े हुए रिश्ते ठीक हो जाते हैं, अचानक अच्छी हेल्थ हो जाती है। और जिस तरह से कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे हो कि आदमी पूरी जिंदगी भागता रहता है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से मकान के अंदर भी कुछ वास्तु दोष इस तरह से बैठ जाते हैं कि आप कितने भी पैसे लेकर घर बदलो, एक बदलो कि तीन बदलो, कुछ ऐसे दोष होंगे जिससे जब कभी नया घर बाय करोगे, रेंट करोगे, बिजनेस खरीदोगे, लेकिन वो दिशा तो आपको कट ही मिलेगी। वो क्यों कट मिलती है? क्योंकि वो दिशा के साथ आपका डे वन से रिश्ता नहीं है। तो हर ग्रह हर दिशा के साथ जुड़ा हुआ है। तो राहु और केतु जो एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली के हिसाब से सर्प दोष की वजह बन जाते हैं, वो आप वास्तु से भी जान सकते हो, वो आप ज्योतिष से भी जान सकते हो, लेकिन रेमेडियल पार्ट जो एस्ट्रोलॉजिकल होती है उसमें काल सर्प योग के लिए सबसे बड़ी अच्छी बात बताई गई है कि आपको किसी नदी किनारे जाना है और सिल्वर यानी कि चांदी का बना हुआ एक छोटा सा सर्प लेना है। यानी कि सोचने वाली बात है कि तांबे का नहीं बोला गया, कॉपर का नहीं बोला गया, मेटल का नहीं बोला गया, लेकिन चांदी का सर्प बोला गया। जब कभी वास्तु शास्त्र के हिसाब से आप घर बनाते हो तो घर की अलग अलग जितनी भी रचनाएं होती है उसमें अगर डे वन से मैं प्रोजेक्ट कंसल्टेंट हूं, कस्टम होम बनाती हूँ, कस्टम होम में हम कितनी सारी चीजें अप्लाई करते हैं क्योंकि हमारे पास फ्रीडम होती है, फिर हम प्रोडक्शन बिल्डर होम बनाते हैं, रीमॉडलिंग करते हैं, लेकिन जब कभी जमीन के बारे में हम मैथोलॉजिकल कहानियां सुनते हैं तो हमें दो तीन बात समझ में आती है,
कि मैथोलॉजिकल स्टोरी के हिसाब से जमीन के अंदर शेष नाग है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बट इट्स मैथोलॉजिकल स्टोरी। तो वैसे सर्प के जो भी अलग अलग तरह के प्रकार है, विष्णु भगवान के साथ है, शिव जी के साथ है, तो ये इतने बड़े हमारे रिलीजन के हिसाब से जो हमारे देवी देवता हैं, उनके साथ कोई ना कोई पशुपंखी की उपमा, कोई भी तरह के सर्प की उपमा दी गई है। शिव जी के तो गले में भी सर्प माना जाता है। शेषनाग जो होता है वो विष्णु के साथ है, जिसके ऊपर वो क्षीर सागर में बैठ के, समंदर में बैठ के उसी के ऊपर वो रहते हैं। शेषनाग को समझने की हमें जरूरत नहीं, एवरीबॉडी नोज अबाउट शेषनाग। तो ये जो हमारी मैथोलॉजिकल कहानियां है, उसका मतलब ये होता है कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग की लाइफ के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो सर्प जो है वो पितरों का एक हिस्सा माना जाता है, लेकिन कैसे पितरों? जो आपकी अभी राइट अवे नहीं, जो अभी आपके घर में कोई डेथ हो जाती है वो नहीं, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से चली आ रही कोई ना कोई इस तरह की दोष की व्यवस्था जो एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में और दूसरे जन्म के बाद तीसरे जन्म में दिखाई देती है, जो आपका लंबा सा पीछे चला हुआ कर्जे वाला एरिया है, उसको आप सर्प दोष के साथ जोड़ सकते हो। यानी कि अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं लेकिन आपने उसको वापस नहीं किया, तो आपने वापस नहीं किए लेकिन फिर भी कर्जा तो आपके ऊपर बना हुआ है, वो आपको ढूंढता है, आपने कुछ भी तरीके से उसके पैसे खा लिए लेकिन गलत कर्म हुआ, किसी के पैसे गलत तरीके से ले लिए गलत कर्म हुआ, तो वो आपके ऊपर वो कर्जा बना हुआ होता है। सर्प दोष वाला जो व्यक्ति होता है वो कभी भी अपने करियर में पीस ऑफ माइंड से नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? क्योंकि कुछ पुराना हिसाब बाकी पड़ा है। आज कितनी भी पावरफुल बनाने की कोशिश करो लेकिन वो पुराना हिसाब बाकी पड़ा है। तो शिवजी जो है वो मृत्यु के देवता माना जाते हैं, और काल सर्प योग के लिए शंकर के मंदिर के अंदर नदी के किनारे वहां पे जाके चांदी के बने हुए सर्प की पूजा की जाती है एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडियल पार्ट के हिसाब से। और वहां पे जो शिवजी का मंदिर होता है, तीन एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी काल सर्प योग के लिए होती है। पहली बात, चांदी के बने हुए सर्प की पूजा नदी के किनारे करनी पड़ेगी जहां पे शिव जी का मंदिर हो, और उसमें भी खास करके जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, हिंदू रिलीजन के हिसाब से कुछ ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जिसको द्वादश ज्योतिर्लिंग, जैसे कि हम रामेश्वर का नाम देते हैं, त्रम्बकेश्वर महादेव है, सोमनाथ महादेव है, तो जो द्वादश 12 है आप जानते हो उसको, तो वहां पे जाके ये सब चीजें करनी पड़ती है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि कोई भी शिव का मंदिर, वो फ्लेक्सिबल बात है जो अभी आपके और मेरे जैसे लोगों ने आके बना दी, बट एक्चुअली जो धर्म ग्रंथ है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा काशी वाराणसी के आसपास के जो भी वहां पे द्वादश ज्योतिर्लिंग है वहां पे जाके ये सब प्रोसेस विधि पूजा की जाती है। उसके कुछ खास दिन होते हैं, लेकिन वो चांदी का सर्प होता है। पूजा करने के बाद जिस व्यक्ति का काल सर्प योग है उसको जल में वहां पे बहा दिया जाता है, वो भी करना चाहिए। और उसी शिव के मंदिर में जहाँ पे आपने पूजा की थी वहां से जो भक्तजन सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते हैं या जो उनका रास्ता होता है, उनको जिसको काल सर्प योग है वो लोग खुद पानी लेकर उस जगह को क्लीन करते हैं। काल सर्प योग में सबसे पहली बात है पानी, दूसरी बात है शिव का मंदिर, तीसरी बात है कोई भी चांदी की बनी हुई चीज, सिल्वर धातु की बनी हुई चीज। अब इस तीनों एलिमेंट से हम वास्तु शास्त्र के माध्यम से काल सर्प योग के होने वाले वास्तु दोष का निवारण करने की कोशिश करते हैं। राहु का दूसरा नाम वास्तु शास्त्र में साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर, नैऋत्य दिशा। केतु का दूसरा नाम है वास्तु शास्त्र के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, वायव्य कोण। ये दोनों जो होते हैं वो काल सर्प योग की विधि के लिए बड़े उपयोगी साबित होते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी व्यवस्था हो, आप किसी ऐसे कंट्री में रहते हो कि फ्लाई करके इस तरह से द्वादश ज्योतिर्लिंग तक नहीं पहुंच सकते हो, या फिर जब तक नहीं पहुंचते उसके बीचों बीच में आप उपाय कर सकते हो ताकि आपको उसका नुकसान ना हो। पिछले कुछ वीक पहले किसी एक कैनेडा से एक क्लाइंट ने अपने बेटे के काल सर्प योग के लिए पूछा था, इसलिए मुझे आपके पास ये बात याद आ गई कि आप बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस लेते हो लेकिन आपको ये जानकारी नहीं है कि एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस के समाधान आप वास्तु के माध्यम से रियल कोई कर सकते हो। हमने पितृदोष के बारे में इससे पहले बात की थी। काल सर्प योग जो होता है वो बहुत सारे लोगों के पास, लाइक ये कह सकते हो कि 100 में से ऑल ओवर जो हम अपनी प्रैक्टिस के दौरान आपकी जो जन्मभूमि वगैरह लोग देखते हैं उसके हिसाब से मैं बोलूं
कि 60% से ज्यादा लोगों के पास होता है। काल त्वर योग से कुछ बुरा नहीं होता है, लाइफ और डेथ कुछ नहीं होता है, जीवन के साथ मृत्यु के साथ रिलेटेड ये दोष नहीं, बस ये है कि वो आपको भगाता रहता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि राहु और केतु साथ में आते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन जो होता है उसको खत्म कर देते हैं, आप अच्छे इंसान हो, पीस ऑफ माइंड वाले हो, लेकिन संयोग हमेशा आपसे विपरीत चलेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाओगे, हर चीज आपके हाथ में आते आते भाग जाएगी, छूट जाएगी, तो आप विचलित हो ही जाओगे। इट्स अ कॉमन सेंस। लेकिन ये होता क्यों है? तो एस्ट्रोलॉजिकल राहु और केतु के काल सर्पयोग की वजह से होता है। वास्तु में इसका निवारण ढूंढते हैं दो बातों के ऊपर, बाकी पानी चांदी राहु और केतु के लिए साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो जिन लोगों ने अपने एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस के थ्रू ये जाना है कि उनके बेटे बहू ये वो माता पिता किसी भी उम्र के व्यक्ति की कुंडली के अंदर काल सर्पयोग है, और दो सवाल मुझे लोग उसके बारे में ज्यादातर पूछ रहे हैं। पहला ऐसा पूछ रहे हैं कि पल्लवी हमने काल सर्पयोग की विधि करवा दी तो खत्म हो गया कि अभी भी बना रहेगा? एस्ट्रोलॉजिकल के हिसाब से माना जाता है कि काल सर्पयोग जो होता है वो एक बार अगर आप कर देते हो तो उसके बाद खत्म। वास्तु इस चीज में बिलीव नहीं करता, क्योंकि आप जब तक हो आपकी कुंडली आपके साथ है, आपके ग्रह दशा आपके साथ है, तो एक बार करने के बाद खत्म ऐसा नहीं, बट करना चाहिए इन शॉर्ट। तो वास्तु के हिसाब से जब कभी आप अपने लिए कोई भी घर ढूंढने निकलो, कोई भी घर नया खरीदो, रेंटल करो, दुकान खरीदो, बिजनेस खरीदो, किधर भी जाओ, और आपको ऐसे ही घर का नंबर मिले जिसमें नंबर 5 आता, कोई भी तरह की गाड़ी खरीदने जाओ, कोई भी फाइनल क्लोजिंग कॉन्ट्रैक्ट टेबल के ऊपर साइन करने जाओ, को इंसिडेंट विदाउट एनी सिलेक्शन ऐसा ही मौका मिले कि 5 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख ऐसा ही आता हो, मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूं। घर के नंबर जो है उसमें लगातार किसी के पास 5 आता हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपने घर में प्रॉपर्टी सिलेक्शन के साथ साथ कुछ दिशाओं को स्ट्रांगली प्रॉपर तरीके से वास्तु के नियम के अनुसार रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जिसके घर में बार बार 5 आता हो, एक आता हो या एक से ज्यादा बार आता हो, जो जब कभी कोई डील करने जाता हो और उसको बार बार नंबर 5 की डेट आती हो, जब कभी वो व्हीकल खरीदने जाता हो और वो इंसिडेंट ऐसा ही होता हो कि मेटल जिस दिन खरीदना हो और उस दिन की यही डेट आती हो या उसके नंबर भी ऐसे ही आते हो, वो इंसिडेंट आपने मांगे नहीं है ऐसा ही आता हो बार बार, एक बार होना कभी कभी होना नॉर्मल बात है। लेकिन आज के बाद जाके सोचना कि आपके दुकान का नंबर क्या है, घर का नंबर क्या है, जहां पे आप जॉब करते हो उस बिल्डिंग का नंबर क्या है, क्योंकि वो तो आपने सिलेक्ट नहीं किया ना। सो खुद अपनी चाह के बिना, अपने ढूंढने बिना, अपने आप ही जब कभी 5 नंबर आपकी जिंदगी के गोल 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 घूमता हो, तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस घर में रहते हो, जहां पे भी 5 नंबर की प्रॉपर्टी में जॉब करने जाते हो, जहां पे भी 5 नंबर की प्रॉपर्टी में आप अपना करियर एस्टैब्लिश कर रहे हो, ब्यूटी सलून चला रहे हो, लीकर स्टोर चला रहे हो, गैस स्टेशन चला रहे हो, कुछ भी हो सकता है, वहां पे आपको दो दिशाओं के अंदर स्ट्रांग वास्तु की रेमेडी करनी पड़ेगी, और वो है साउथ वेस्ट और दूसरी है नॉर्थ वेस्ट। पहले घर के बारे में बात करते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में ये देखा है अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर काल सर्पयोग है, 8, 9, 10, 11 and 12th house एंड 7th house, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे राहु और केतु की युति बनी हुई है, राहु और केतु दोनों ग्रह आपके हॉरोस्कोप में आमने सामने है, तो बिना कुछ सोचे आप जहां पे भी जिस घर में रहते हो ये 5 आपकी जिंदगी के आजू बाजू में घूमता ही होगा, थोड़ा सा याद कीजिएगा पता चल जाएगा। एक या दो फैमिली में इसकी निशानी है, चाहते हुए या ना चाहते हुए, आपका बेटा हो सकता है, मदर इन लॉ हो सकती है, फादर इन लॉ हो सकता है, पति हो सकता है, वाइफ हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकती है, एक या दो मेंबर उस पूरी फैमिली में ऐसे तो मिलेंगे ही जो आपको एवरी टाइम क्रिटिसाइज करने का काम करेंगे, एक सेकंड आपकी उसके साथ बनेगी नहीं। ऐसा एक सदस्य जीवन पर्यंत मेहमान आता है उसको आप ऐसा नहीं बोल सकते, वो कदा अगर आपको अपसेट भी करता है तो घर चला जाता है, लेकिन ये तो जिंदगी के अंदर बैठ जाएंगे। तो आपको एवरी टाइम आपकी उपेक्षा करना, आपको नीचा दिखाना, आपके साथ रिलेशनशिप में हमेशा गलती करना, वहां पे जस्टिफिकेशन की बात ही नहीं होती और सब कुछ इनजस्टिस ही होता है, गलती होता है, इस तरह का एक व्यक्ति या दो व्यक्ति आपकी ग्रह दशा के अंदर आकर बैठे होंगे, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा होंगे, काट ही नहीं सकते,
मदर इन लॉ को नहीं काट सकते, हस्बैंड को नहीं काट सकते, खुद की बेटी को नहीं काट सकते, बेटी को नहीं काट सकते, आप उसको कट ऑफ नहीं कर सकते। वो एक बिल्डिंग के अंदर रहते हो, वह बहुत दूर रहते हो, लेकिन दे आर पार्ट ऑफ द लाइफ। और उसकी वजह से आपकी लाइफ में ना चाहते हुए भी एवरीडे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। लोग बुरे नहीं होते हैं। कोई चीज अगर हमारे साथ होती है तो पहले इस बात को समझने की कोशिश करो कि ऐसा आपके साथ क्यों होता है। अगर उसके ऊपर ब्लेम डाल दोगे तो ये ऐसी है वो ऐसी है, तो कभी भी आप रूट तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे तमाम लोगों को साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिशा में जितना हो सके उतना, जैसे आपने सुना होगा कि चांदी की बनी हुई बहुत सारी चीजें मार्केट में आती हैं, लेकिन जो सॉलिड चांदी होती है, जिसको आप ये बोल सकते हो चांदी का बिस्किट बोल सकते हो, जो एक पूरा एक ब्रिक्स फॉर्म में होता है, या अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो छोटे छोटे सिल्वर के कॉइन से, इन दोनों लोगों को जिसको भी जहां लगता है रेसिडेंशियल कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में, एक सिरामिक का कटोरा लेना चाहिए। सिरामिक सफेद कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। और सिरामिक कटोरे के अंदर चांदी की जितनी हो सके उतनी चीजें, वो कटोरा जो हो वो पूरा भर जाए इतना होना चाहिए, ओरिजिनली तो इतना होना चाहिए। नए तरीके से घर बनाते हो तो साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हम लोग जमीन के अंदर अंडरग्राउंड भी सिल्वर रखते हैं, लेकिन वो तो बात फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग व्यक्तियों के लिए है। बन जाने के बाद ये रियलाइज होता है, रेंटल प्रॉपर्टी में रियलाइज होता है। तो सिरामिक वास के अंदर चांदी को भरना तो किसी के लिए आसान होता है, तो दोनों सिरामिक वास, एक साउथ वेस्ट के लिए एक नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपको रखना है। दोनों वास जो है वो राउंड फॉर्म में होने चाहिए, स्क्वायर नहीं चलेंगे और कोई शेप, राउंड शेप। सेरामिक वास को ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हाइट पे रखना है। और चीज जितनी चांदी आपके पास हो उतना ही वास दो, क्योंकि उसको भरना पड़ेगा और वो फिलअप होके ऊपर तक आना चाहिए। तो एटलीस्ट आपको उतनी साइज का ही लेना चाहिए जितनी आपके पास सिल्वर की चीजें हैं ना हो, तो चांदी की कोई भी चीज खरीद सकते हो, सिल्वर के बने हुए ज्वेलरी रख सकते हो, सिल्वर के बने हुए कॉइन्स रख सकते हो, सिल्वर की बनी हुई अलग अलग तरह की जो ब्रिक्स और जो अलग अलग तरह की मार्केट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट आते हैं। बेस्ट वास्तु रेमेडी ये है कि किसी भी मोती या किसी भी तरह की चीजों में ना पड़ते हुए सिर्फ कॉइन्स को रखना चाहिए, या चांदी के जो छोटे छोटे ब्रिक्स होते हैं उसको रखना चाहिए। दिस इज द बेस्ट वे। और जहां पे भी साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट है वहां पे जो भी कैबिनेट्स बना हुआ उसके हाइट के ऊपर जाके जितना हो सके टॉप ऑफ द हाइट वहां पे जाके सिरामिक वास में इसको रखना चाहिए। और फिलहाल कोई लोग ये प्रोग्राम सुनते हो काल सत्योग से परेशान है और जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, करियर में तो प्रॉब्लम उनको होनी होनी है, तो अगर कोई भी कोशिश कर नहीं मिल रही, कितनी छोटी सी बात है, ट्राई करके देखो, मिरेकल काम करेगी। और जो आपने अपने घर के बाहर नंबर 5 हो, या जिनका अगर ऐसा हो कि इनके काल सत्योग की है और घर के बाहर नंबर 5 लिखा हुआ है, उन लोगों को जहां पे बाहर नंबर 5 लिखा है उसके बिल्कुल बिलो द नंबर जहां पे नेम प्लेट लिखी उसके बिलो द नंबर एक छोटी सी रेड कलर की, जिसमें 2 इंच जितनी साइन हो, स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी, बिल्कुल छोटी सी रेड लाइन बनानी पड़ेगी। और रेड लाइन के बिगिनिंग में, नंबर के बिगिनिंग में और नंबर के एंडिंग में छोटा सा राउंड बनाना है, सिंपल जीरो, सिंपल राउंड, छोटा सा राउंड, बड़ी भी नहीं बनानी, 2 इंच तो बहुत छोटी होती है, पतली होती है, तो इस तरह की बनानी है। अगर 5 हो तो, जिनको 5 नहीं उनको ये नहीं करना है। वैसे ही आपके पास सर्वदोष हो, काल सर्वयोग, आपका कॉमर्शियल प्रीमाइसिस हो, रेसिडेंशियल प्रीमाइसिस हो, दोनों जगह पे, ये दोनों लोकेशन पे आप ये रेमेडी कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट बात, ऐसे लोगों को शिवजी को जैसे हम जल चढ़ाते हैं उस तरह से आप अपने घर में भी कर सकते हो। पानी जिसमें काले तेल डाल के आप अपने घर में लगा सकते हो, भगवान जो आपने मंदिर में रखे हुए हैं वहां पे शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हो। लेकिन किसी वजह से आपने मंदिर नहीं बनाया और आप इस तरह से नहीं कर सकते, विच इज ओके, तो आपको मंडे के दिन, सोमवार के दिन उत्तर दिशा में जाके आपके अपने घर का बाहर बैकयार्ड या फ्रंट यार्ड में जाओगे तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो आपको मिल ही जाएंगे। जहां से सूरज निकलता है उसके लेफ्ट साइड में जाके, अगर आपके पास कंपास नहीं है, आप सुबह में उठते हो, जहां से आपके घर में सूरज निकलता है, टाउन होम हो, अपार्टमेंट हो, घर हो, उसके लेफ्ट दिशा में जाके एक छोटे से घड़े के अंदर पानी लेकर, घड़ा इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कॉपर नहीं लेना है, मिट्टी का घड़ा लेना है, मिट्टी के घड़े में पानी लेकर एवरी मंडे उत्तर दिशा जो होती है वहां पे आपको उत्तर दिशा की ओर देखता हुआ फेस रखकर वहां पे आपको शिव जी का नाम लेते हुए उसकी स्तुति करते हुए, अगर आप हिंदू रिलीजन के अंदर नहीं हो और आप शिव जी के बारे में
किसी भी तरह से बात नहीं करना चाहते हो या किसी भी और रिलीजन के साथ बिलोंग करते हो, तो भी सिंपल तरीके से घड़ा लेकर जिस किसी ईस्ट देव को आप मानते हो, जो भी आपके ईस्ट देव हो, सिंपल मिट्टी के घड़े के अंदर पानी भरकर उत्तर दिशा में आपको एवरी मंडे वहां पे पानी जो है वो नॉर्थ दिशा में घर के बाहर जाके अभिषेक करना है। वहां पे उस पानी को जो आपके ईस्ट देव है उनका नाम देकर वहां पे उस पानी को आपको उनको चढ़ाना है। अगर आप घर के अंदर अगर आपके पास मंदिर हो और आपके पास शिवलिंग बना हुआ हो तो आप मंडे को वहां पे उनका अभिषेक कर सकते हो। दोनों करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। पानी मंडे उत्तर दिशा, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और वहां पे चांदी की चीजें। इसके साथ साथ जिन लोगों को काल संयोग हो उनको अपने घर के साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिशा में कोई भी सिंगल वाटर एलिमेंट की चीजों को नहीं रखना चाहिए। और जिन लोगों की कुंडली में फिलहाल काल सर्पयोग है उन्होंने अगर उसकी विधि भी करवा दी है लेकिन उसके बावजूद भी अकॉर्डिंग टू 2021 के वास्तु के अनुसार उन सभी लोगों के लिए ये साल जो है वो प्रॉब्लमेटिक होगा, उनके लिए भारी होगा, क्योंकि 2021 के हिसाब से कुछ दिशा ऐसी है जो काल सर्पयोग के अंदर जिसकी आपको रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, जिस दिशाओं से कभी आपको फायदा नहीं होता है वही दिशा जो है वो ज्यादा विपरीत परिस्थिति में चली जाएगी। तो जो चीज हमारे लिए पहले से डे वन से सूटेबल नहीं थी, हमारे एलिमेंट का उसके साथ लेना देना ही नहीं था, हमारे लिए नकारात्मक प्रभाव करती थी, और वही दिशा जब किसी साल के दौरान और ज्यादा नकारात्मक हो जाती है तब वो आपका दिलो दिमाग पागल कर देती है। वो आपको इतना गुस्सा दिलाती है, इतने नाराज हो जाते हो, इतना गुस्सा आता है आपको। तो 2021 के वास्तु के अनुसार जिन लोगों के घर की रचना साउथ वेस्ट फेसिंग हो, जिन लोगों के घर की रचना नॉर्थ वेस्ट फेसिंग हो, मैं डोर की बात करूं, चाहे गराज डोर हो, मेन डोर हो, आप किसी भी कंट्री में रहते हो, जहां से आप अपने मकान में और बिजनेस लोकेशन में आते हो और जाते हो वो साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट का बना हुआ हो, उन तमाम लोगों को जो रेक्टिफिकेशन अभी मैं आपको बता रही हूँ काल सर्पयोग का, वो वैसे ही करना है। क्योंकि जाने अनजाने में हम उस छाया के अंदर आ जाते हैं, हम उस इफेक्ट के अंदर आ जाते हैं और वो इफेक्ट उन लोगों के लिए और ज्यादा नकारात्मक बन सकती है। केतु जो होता है वो व्यक्ति को कई बार इतना ज्यादा विचलित कर देता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अपना नुकसान खुद कर लेता है, उसको दुश्मन की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वो डिसीजन ही ऐसे लेगा कि खुद नुकसान करेगा। तो 2021 के अनुसार जिस किसी व्यक्ति के घर की रचना साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की हो और रिलेशनशिप में नाराज की हो, वो डिवोर्स फाइल करने के लिए सोचते हो, बैंकरप्सी फाइल करने के लिए सोचते हो, तो मेरे अनुसार एक दूसरे को ब्लेम ना देते हुए 2021 में बहुत बड़ा डिसीजन नुकसान का नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा सोच समझ के जो भी आपके लिए अच्छा हो वो आप डिसीजन लो, लेकिन उसको बहुत बार दोहरा के काफी मनोमंथन के बाद मैच्योरिटी के लेवल के बाद डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपने गलती से 2021 के नेगेटिव प्रभाव के हिसाब से ऐसे बड़े मेजर डिसीजन ले लिए तो फिर आपको यूटर्न यानी कि वापसी का कोई मौका नहीं मिलेगा। सो जिन लोगों की प्रॉपर्टी 2021 के अनुसार साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिशा की है उनको रेमेडी करने के बावजूद भी फिलहाल आज की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आते हो तो उनको बहुत सोच के आराम से, जब वो बिल्कुल शांत भाव से हो, क्रोधित ना हो, और हर चीज को बहुत बार दोहरा के सोच के फिर उस चीज का डिसीजन लेना चाहिए, या फिर कोई जल्दबाजी ना हो तो ये साल जाने देना चाहिए, नहीं तो हो सकता है आप अपने लिए गलत डिसीजन लोगे। 4-5 साल के बाद आपको पता चलेगा कि मेरा यह डिसीजन बहुत गलत था। जिन लोगों की कुंडली के अंदर काल सर्पयोग होता है वो किसी भी मकान में रहने जाते हैं और उनके नंबर 5 भी घर में बने हुए हैं और उसकी प्रॉपर्टी में अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कट हो, मैं वास्तु की बात करें, आपके प्रॉपर्टी का लेआउट रेसिडेंशियल और कमर्शियल ऐसा हो कि जिसमें साउथ वेस्ट कॉर्नर कटा हुआ, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कटा हुआ या दोनों कटे हुए हों, ऐसे तमाम लोगों को उस प्रॉपर्टी में जाने के बाद 5 साल के अंदर फाइनेंशियल टोटली वो वहां पे ड्रेन आउट हो जाते हैं और जो भी पैसे लेकर सेविंग्स लेकर गए थे वो सारे आपके पास से खत्म हो जाते हैं। तो ये भी एक निशानी काल सर्पयोग के व्यक्तित्व वाले लोगों की होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके घर का फैमिली मेंबर आपके अगेंस्ट होना, आपके साथ करियर में कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होना, हमेशा कोलू के बैल की तरह भागते रहना,
हर चीज पास में आते आते ऐसे लगेगी अभी हम अपॉर्चुनिटी ले लेंगे और हाथ से चले जाना, ये सारे सिम्टम्स काल सर्पियों की निशानी है। जो आपने एस्ट्रोलॉजिकल काल सर्पियों के लिए विधि की उसके बाद भी चांदी की चीज पूरी जिंदगी भर जितने भी घर बदलो या बिजनेस बदलो आपको सिंपल बहुत ज्यादा हैवी सिरेमिक वास पतला नहीं चलेगा, थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, वो व्हाइट कलर का होना चाहिए, ऑपेक हो सकता है, क्लियर नहीं होना चाहिए और वो पूरा भर जाए और ऊपर तक आपको चांदी के सिक्के दिखाई दे या ऊपर तक आपको सिल्वर के जो छोटे छोटे बार होते हैं पीसीस होते हैं वो दिखाई दे, इतने ज्यादा भर के आपको वहां पे रखने पड़ेंगे और वो पूरी उम्र रखने पड़ेंगे। और भी आप अच्छा कर सकते हो, अगर आप कस्टम होम बना रहे हो तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपको अपने घर के साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के अंदर कुछ सिल्वर की बनी हुई चीजों को रखना पड़ेगा। आमतौर पर जिसकी कुंडली में काल सर्प योग ना भी हो और वो वैसे भी वास्तु के हिसाब से घर बनाते हैं तो उनको पंच तत्वों का, पंच धातुओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जमीन का और अलग अलग तरह के एस्ट्रोलॉजिकल चीजों में सिल्वर का निवारण के तौर पे, उपाय के तौर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो काल सर्प योग आप अंडरग्राउंड जमीन के अंदर भी कर सकते हो और अंडरग्राउंड जमीन के अंदर जिन्होंने डाला हुआ है उन लोगों को उसके बावजूद भी टॉप ऑफ द लाइन जो फ्लोर प्लान होगा वहां पे रखना पड़ेगा। इंडिया में एक बॉम्बे के अंदर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस कंपनी है जो फीमेल से रिलेटेड अलग अलग तरह के कॉस्मेटिक चीजों को बनाती है, वो बॉम्बे बेस्ड है, मेन हेडक्वार्टर और औरंगाबाद में उनके सारे यूनिट बने हुए हैं। काल सर्प योग की वजह से उनको अपने काम में बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स आते थे और उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल अलग अलग तरीके से सारे उपाय किए लेकिन फिर भी जब कभी किसी के पास जाते थे तो बोलते थे काल सर्प योग है। तो उनको ये ख्याल आया कि भैया मैंने निवारण किया, ये तो मुझे पता है कि मैं जाके प्रेयर करवा के आया बट कुंडली में तो बैठा हुआ है तो हाउ इट्स पॉसिबल कि एक बार कर दिया और फिर भी ये तो उसका इफेक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि जितनी बार एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजर बदलते थे एवरी टाइम आदमी नया आता था वो बोलता था आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, तो वो हमेशा बोलते थे कि हाँ है लेकिन मैंने उसका निवारण करवा दिया है। तो कुछ लोग बोलते थे कि करवा दिया है ठीक है कुछ नहीं करना, कुछ लोग बोलते थे निवारण किया फिर भी करना पड़ेगा, तो बहुत मुसीबत में थे। फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैं घर का वास्तु करवाता हूँ क्योंकि ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर वास्तु के हिसाब से जब बात आई तब वापस एक काल सर्प योग की बात फिर ये कहानी फिर आई और जो उनके दिमाग में इतनी देरों से बात बैठी हुई थी वही बात मैंने उनको बताई कि आपने किया लेकिन फिर भी वो आपकी जिंदगी का हिस्सा है क्योंकि आपकी ग्रह दशा का हिस्सा है, सो इट्स जीवन पर्यंत आपके साथ रहेगा। तो उस विधि के साथ साथ कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा कि पूरी लाइफ उसका सॉल्यूशन आपके साथ बना रहे। सिर्फ किसी एक चीज को एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस को अप्लाई करने के बाद वास्तु के हिसाब से जो उसके उपाय होते हैं वो जीवन पर्यंत अगर आपको करने पड़ते हैं, अगर वो चीज आपके मकान का हिस्सा हो, आपकी कुंडली का हिस्सा हो या आपके जीवन का हिस्सा हो, कोई चीज टेम्पररी होती है, किसी एक प्रॉपर्टी में गए उतने तक वास्तु दोष था, दूसरी प्रॉपर्टी में गए वो वास्तु दोष खत्म, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो उस जगह का दोष था, लेकिन जो चीज आपकी लाइफ का हिस्सा है और हमेशा कभी घर ढूंढने जाते हो साउथ वेस्ट घाट मिले नॉर्थ वेस्ट घाट मिले, हमेशा घर ढूंढने जाते हो कोई और दिशा नहीं मिले और साउथ वेस्ट के घर सारे आपको आकर मिल जाए नॉर्थ वेस्ट के घर आके मिल जाए, हमेशा घर ढूंढने जाओ और नंबर 5 जिंदगी में सामने से आ जाए, हमेशा डील करने जाओ और नंबर 5 दिखाई दे, तो उसके बाद दोबारा सही तरीके से अपनी चीजों को रिव्यू करना। एक ही आदमी की जिंदगी में इंडिया से अमेरिका हो, इंडिया से रशिया हो, इंडिया से इंडोनेशिया हो, लेकिन एक ही चीज बार 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 दोहराती हो तो ये सोचना चाहिए कि इस नंबर के साथ इस दिशा के साथ क्या वास्ता है, क्यों यही चीज बार बार हमें मिलती है। बहुत सारी चीजें हमारे आसपास घूमती है लेकिन हम कई बार इतने बिजी लाइफ में होते हैं कि हम उसको ऑब्जर्व ही नहीं करते। प्रोग्राम खत्म होने के बाद बैठ के थोड़ी देर सोचना और खास करके ऐसे लोगों को जिनके फिलहाल करियर में कोई प्रॉब्लम्स हो, खास करके ऐसे लोगों को जो मेहनती है लेकिन किसी भी वजह से हर तरह की अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से चली जाती है। ये भी दो लक्षण, ये भी दो सिम्टम्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, तब जाके आपको अपनी मेहनत तो आपको ईमानदारी से करनी पड़ेगी लेकिन अप्रिसिएशन के लिए कुछ और वास्तु के लाभ लेने पड़ेंगे और उसके उपाय करने पड़ेंगे। अब हम क्वेश्चन के आंसर पे जाते हैं, साथ में मैं काल सर्प योग के लिए कुछ और बातें आपको बताने वाली हूँ। सुनीता जी है जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स है, जो भी नाम है, जो भी लिखो ने यहाँ पे हेलो लिखा है, नमस्ते लिखा है, उन सभी को मैं
नमस्कार कह देती हूँ कि वो हमारे लॉयल व्यूअर्स है और आपकी वजह से ही प्रेरित होके मैं अलग अलग टॉपिक को लेकर आती हूँ। लास्ट टाइम सुनीता जी ने हमें बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक दिया था वर्क फ्रॉम होम का, इतने सारे लोगों ने ईमेल किया, सभी लोगों को उसकी सारी सारी टिप्स बहुत सारी टिप्स मैंने दी थी, उनको काफी अच्छी लगी। सो उसका क्रेडिट सुनीता जी को जाता है। श्वेता यादव, हमारे एक व्यूअर से मिस श्वेता यादव, उन्होंने यहाँ पे राहुल यादव अपने बेटे का शायद इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। श्वेता यादव का है 22 अगस्त 1987। राहुल यादव आप राहुल यादव और श्वेता यादव यहाँ पे उन्होंने अपने घर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी है, जिन्होंने घर की डिग्री दी और घर का नंबर 14405 पड़ता है। राहुल जी की डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। श्वेता जी श्वेता जी, आप ये जो आपका दूसरी में घर है नॉर्थ ईस्ट का, उस घर में आप कब से रह रहे हो? आपने रेमेडी पूछी थी, मैं घर के नंबर के लिए बता सकती हूँ, घर का नंबर गलत है श्वेता जी आपके लिए, तो नंबर 5 की आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। अमेरिका में जो घर होते हैं श्वेता जी, उसमें मेन डोर की दिशा अगर नॉर्थ ईस्ट हो तो वो सही नहीं होती। आपने कहा है कि गराज डोर जो है वो 50 डिग्री नॉर्थ ईस्ट पे है और जो घर का दरवाजा है वो 62 डिग्री नॉर्थ ईस्ट पे है, तो आई एम सॉरी टू से, लेकिन लोग अलग तरीके से देखते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता श्वेता जी। गराज 1, 2 या 3 होते हैं, 2 भी मान लो तो भी 62 डिग्री पे इसका होना और 50 डिग्री में, यानी कि ये गराज और इसके बाजू में दरवाजा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो समथिंग इज रॉन्ग, या तो आपके आई एम सॉरी टू से, लेकिन कैलकुलेशन में जबरदस्त मिस्टेक है। ये डोर और गराज डोर मेरे को समझ में नहीं आते, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो या तो आपने घर के दरवाजे की डिग्री सही लिखी और गराज की गलत लिखी है, या आपने गराज की सही लिखी और घर के दरवाजे की गलत लिखी है, तो इसमें कुछ गड़बड़ है। एक दिशा 45 डिग्री की होती है, मैं 52 और 62 पड़ोस में हो गए, कहां से हो सकता है इस तरह से? तो मुझे ये सही नहीं लगता है एक्सप्लेनेशन आपका। मैं सिर्फ नंबर की रेमेडी देती हूँ, नंबर के लिए भी अगर आपने जो लिखा है इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है ये समझ के नंबर के लिए मैं आपको रेमेडी देती हूँ, आप लिख लो। जो आपके घर का जो 14405 है, उस 14405 के बाद जहां पे 5 खत्म होता है उसके बाजू में एक ट्रायंगुलर शेप बना दो। ट्रायंगुलर आप समझते हो कैसे बनता है, और वो ट्रायंगुलर शेप जो है वो ब्राउन कलर में बनाना और उसके नीचे डैश लाइन करके एक जीरो क्रिएट कर दो। वेरी सिंपल, आप चाहें तो मैं आपको ट्विटर पे बता सकती हूँ, लेकिन ये 5 के बाद करो। और मेरे अनुसार कुछ भी करने के बजाय पहले दोबारा इंफॉर्मेशन दो जिससे घर का दरवाजा समझ में आ जाए, और उसके बाद उसको अप्लाई करोगे तो अच्छा रहेगा। श्वेता जी आई एम होपिंग कि लाइट की वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं आती होगी, आप शायद देख सकते हो इसको, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ट्रायंगुलर बनाया है, उसके नीचे एक डैश को क्रिएट किया है और उसके बाद जीरो किया है। फिर भी मेरी आपको रिक्वेस्ट यह है कि सही तरीके से डायरेक्शन के बारे में मेंशन करो, उसके बाद रेमेडी करो, क्योंकि अगर ये दरवाजे की एंट्री नॉर्थ ईस्ट नहीं निकली तो फिर ये 5 नंबर की रेमेडी भी गलत हो जाएगी। ये थे श्वेता यादव और अब है श्वेता की कथा। ओ
स्वेताली जी, अगर आपके पास सिर्फ 30 दिन बचे हुए हो तो आप एक काम करो, अपने जितने भी पेपर वर्क है वो सारा वेस्ट में रख दो और उसको हाइट पे रखना, ग्राउंड लेवल पे नहीं रखना। और उसके साथ कुछ सिल्वर कॉइन्स को रख दीजिए स्वेताली जी, और साथ साथ में हो सके तो 2021 के की पॉइंट्स, हमने आगे चल के बहुत सारे प्रोग्राम में बताए हैं, 2021 के की पॉइंट्स अप्लाई करो और जो पेपर वर्क आपने वेस्ट में रखा है वही पेपर वर्क की कुछ सेम पेपर वर्क की दो कॉपी निकाल दो, एक नॉर्थ ईस्ट में रख दो और एक वेस्ट में रख दो, तो उससे जो भी जवाब आना है वो जल्दी से आ जाएगा, जिससे आपको ये जो 30 डेज की लिमिट है मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा सुतानी जी, सो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। बट आप नॉर्थ ईस्ट में रखो और वेस्ट में रखो, अगर टाइम कम हो तो फास्ट रिजल्ट के लिए कोशिश कर सकते हैं, और दोनों चीज हाइट पे होना मस्ट है, और वेस्ट में जो आपने रखा है उसके साथ कुछ सिल्वर की बनी हुई चीजों को रखना पड़ेगा मैम। सुनीता जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम लोग वास्तु में आपको अपने घर में पैसा, कैश, फाइनेंस, सेव बॉक्स, बहुत सारी चीजें कहाँ रखनी चाहिए उसके बारे में बताते हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता है कि पासपोर्ट और इंश्योरेंस पेपर रखने के लिए उसका वास्तु डिफरेंट होता है, क्योंकि इंश्योरेंस जो होते हैं वो कई बार ऐसे होते हैं कि हमारे ना होने के बाद हमारे जो नॉमिनी यानी कि हमारे जो चाहने वाले हैं उनके सपोर्ट के लिए हम देखते हैं, लेकिन उसके साथ एक ये भी तो है कि हमारे ना होने के बाद वो मिलता है उनको, तो लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई बात हो, तो इंश्योरेंस पेपर का वास्तु और पासपोर्ट का वास्तु डिफरेंट होता है। यहाँ पे सुनीता जी ने सवाल पूछा है कि पासपोर्ट की एप्लीकेशन जो है वो कैसे फास्ट होनी चाहिए, तो सुनीता जी 2021 के अनुसार तो फिलहाल आपको अपनी एप्लीकेशन को फास्ट करने के लिए, आपके बारे में मेरे को सारी इंफॉर्मेशन पता है, आपके माता पिता के बारे में पता है, उस संदर्भ में आप बात कर रहे हो, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2021 एंड वास्तु, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सुनीता जी एंड हर फैमिली, तो आपको नॉर्थ में रखनी पड़ेगी सुनीता जी, चाहे आप अपने इंडिया वाले घर में रखो चाहे यूएस के घर में रखो, और ये बात जो सवाल पूछा है वो इंडिया के गेस्ट के साथ रिलेवेंट, मतलब उन्हीं के बारे में अगर आप ये बात करें तो उनको वहां पे भी रखना पड़ेगा उत्तर दिशा में, और सुनीता जी आपको अपने घर में बुलाने वाले के घर में भी रखना पड़ेगा, चाहे आपके ब्रदर का हो चाहे आपका हो, दोनों जगह पे रखना पड़ेगा, और नॉर्थ पे हाइट पे रख दो ताकि आपका काम जो है सिर्फ फास्ट हो इतना ही लेकिन अच्छा हो जाए और जल्दी से बन जाए। जी, कर्मवीर के बारे में जहां तक मेरे को समझ में है आपने इससे पहले भी मुझे सवाल पूछे हुए हैं, और आई थिंक सो दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, कि आपका मेन कंसर्न ये है कि उसका जो अप्रोच है या जो भी उसकी पढ़ाई लिखाई में जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है उससे आप परेशान हो, लेकिन आई एम रियली सॉरी टू से जिस तरह से कर्मवीर का नाम बना हुआ है और जो डेट ऑफ बर्थ दी हुई है आपने उसके हिसाब से कुछ लोग प्रैक्टिकली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो बुक स्मार्ट होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्ट और बुक स्मार्ट, तो कर्मवीर की जो क्वालिटी है उसकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार वो बुक स्मार्ट बच्चा नहीं है लेकिन वो स्ट्रीट स्मार्ट बच्चा है, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज उसकी अच्छी है। इसके केस में पढ़ाई लिखाई में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर इस तरह की पर्सनैलिटी में कई बार अगर हम ध्यान नहीं रख पाते हैं या जिस तरह की मेहनत एक्स्ट्रा करनी चाहिए हम बच्चों के मुकाबले अगर नहीं होती है तो ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा ब्रेक ले लेते हैं मैडम, और उस ब्रेक की वजह से कई बार एजुकेशन में ऑब्स्टिकल क्रिएट हो सकते हैं, तो एजुकेशन के लिए बहुत ही सीरियस डायरेक्शन चार्ट है। मेरी छोटी छोटी टिप्स के बजाय ऑनेस्टली मैं आपको एडवाइस करूं कि इसको
कुछ हद तक प्रोडक्ट रेमेडी और वास्तु के टिप्स दोनों की जरूरत पड़ेगी। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे छोटे छोटे होते हैं कि एक पेपर वर्क यहाँ पे रख दिया आपका काम बन गया। कुछ बात लाइफ के साथ जुड़ी होती है, इसके एजुकेशन के लिए, इसकी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट के लिए आपको दवा दुआ दोनों चाहिए। सिर्फ आप टिप्स अप्लाई करके उतना रिजल्ट नहीं हासिल कर सकते हो जितना आप साथ में रेमेडियल चीज करने से हासिल कर सकते हो। और जो आपने लिखा हुआ है कि साउथ ईस्ट में, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे सोने की पोजीशन के बारे में दी है, उसके हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि फिलहाल 2021 के अनुसार अगर आपके पास करमवीर के लिए कोई घर में कमरा नॉर्थ ईस्ट का बना हुआ हो 2021 के लिए और उसमें सोने की पोजीशन वेस्ट ईस्ट हो तो आपके लिए उस फिलहाल ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सिर्फ साल भर के लिए है। अगर इस तरह की कोई बेडरूम की व्यवस्था हो तो आप उसको दे सकते हो। हरिंदर भाटी है, यहाँ भी कुछ और लोग हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी हमारा ये जो प्रोग्राम है, जो अभी का वक्त फेसबुक का है, वो यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो मैं डेफिनेटली चेक करके रखती हूँ और आपको इंस्टाग्राम के ऊपर 5 से 5:30 बजे का जो शो है उसमें मैं तमाम सवालों के जवाब दे दूंगी। और साथ में काल सर्प योग के लिए कुछ और छोटी छोटी लेकिन काफी महत्वपूर्ण टिप्स मैं आपके साथ इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करने वाली हूँ, आप हमारे साथ जुड़िएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। खुश रहे, सलामत रहे, एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। नमस्ते।